आपको लगता है कि मंदिर जो है गुलामी की तरफ ले जाता है और मदरसा कहाँ लेकर के जाता है? अनल सेक्स की तरफ। मदरसा कहाँ लेकर जाता है अजमल कसब बनने के लिए? मदरसा कहाँ लेकर के जाता है याकूब मेमन बनने के लिए? तो गला रेतने की बात कर रहा है भाई। इस्लाम तो औरतों को लौंडियां और बांदियां बोल रहा है भाई। इस्लाम तो चार शादी की बात कर रहा है भाई। इस्लाम तो 6 साल के बच्चे से निकाह पढ़ने की बात कर रहा है भाई। इस्लाम तो लूटने और पाटने की बात भी। अगर भारत में मुसलमान डरे हुए हैं तो मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ ले, डर खत्म हो जाएगा। बात इतनी आस्था जागी है क्योंकि हम मुसलमान कम्युनिटी को हमेशा सनातन धर्म से भड़का करके दूर रखा गया था। हमें कभी पढ़ने ही नहीं दिया गया, हमें कभी समझने ही नहीं दिया गया था। अब जब हम खुद पढ़ रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, तब समझ में आ रहा है। देखिए, मेरे तो कण कण में राम जी हैं जी। मेरे तो मन में भी राम जी हैं। ये भगवान राम से लेकर के सनातन धर्म के पॉजिटिव चीजों को पढ़ने के बाद इतनी आस्था जागी है। अब मुसलमानों को हनुमान चालीसा पढ़ने चाहिए अगर उन्हें डर लगता तो। भाई नाजिया अली खान ने एक बार फिर मुल्ले मौलाना को भाई बहुत बुरी तरह पेल दिया। और कैसे उन्होंने बताया भाई गीता और कुरान में क्या फर्क है, और गीता तो हर एक मुसलमान को जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि उसके अंदर किसी भी गैर धर्म वाले को जो है ठीक गलत बारे में नहीं बताया गया, उसकी किसी मानवता का हनन नहीं किया गया। दोस्तों बहुत अच्छी तरह पेला है नाजिया अली खान ने। चलिए वीडियो देखते हैं। जो 80% की आबादी हिंदू आबादी है उनकी आस्था पे हमेशा चोट क्यों होता है? हमेशा सवाल जो है मंदिरों को लेकर ही क्यों पूछे जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि जब कोई भी आ जाता है कहीं पर मीडिया में आके कोई भी सवाल पूछ देता है कि मंदिर से क्या फायदा होगा, मंदिर जो है गुलामी की तरफ ले जाता है, मंदिर जो है गुलामी की तरफ ले जाता है। वाकई में आपको लगता है कि मंदिर जो है गुलामी की तरफ ले जाता है? और मदरसा कहाँ लेकर के जाता है? अनल सेक्स की तरफ। मदरसा कहाँ लेकर जाता है अजमल कसब बनने के लिए? मदरसा कहाँ लेकर के जाता है याकूब मेमन बनने के लिए? मदरसा कहाँ लेकर के जाता है अफजल गुरु बनने के लिए? मदरसा शायद लेकर जाता होगा हाफिज सईद बनने के लिए। देखिए, हम लोग अल्लाह के स्लीपर सेल नहीं है। हम जो मुसलमान हैं हम अल्लाह के स्लीपर सेल नहीं है। हम नहीं ये वो आतंकी हरकतें हम नहीं कर सकते हैं जो ये लोग अपने अपने भाषणबाजी में कर रहे हैं। आज नाजिया ने अवेसी की बात मानी होती तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही होती। आज नाजिया ने अवेसी की बात मानी होती तो नाजिया यहाँ पर नहीं खड़ी होती। नाजिया हिजाब पहन करके या तो हलाला हो रहा होता, या तो निकाह मुत्ता हो रहा होता, या तो चार शादी में एक बीवी मैं होती, और या तो बच्चा पैदा करने की मशीन बनी हुई होती। अगर इस्लाम की किताब 35 सूरे में जिहाद बताती है तो मुझे लगता है कि मॉडिफिकेशन जरूरी है। जब तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल, कुरान आया, 4 बार मॉडिफाई हुआ तो एक बार और मॉडिफाई होने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। इतनी तकलीफ क्यों है इन लोगों को जो बच्चियां जा रही हैं? राम प्रभु के प्रति आस्था जो है अगर दिखा रही तो गलत क्या है? देखिए, मेरे तो कण कण में राम जी हैं। मेरे तो मन में भी राम जी हैं। मैं तो भगवान राम के रामायण से, भगवत गीता से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैंने इंसानियत सीखी है। और जितनी भी मुसलमान लड़कियों को आप देख रहे हैं कि वो रैली में जा रही हैं या वो पैदल यात्रा कर रही हैं, ये भगवान राम से लेकर के सनातन धर्म के पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ने के बाद इतनी आस्था जागी है क्योंकि हम मुसलमान कम्युनिटी को हमेशा सनातन धर्म से भड़का करके दूर रखा गया था। हमें कभी पढ़ने ही नहीं दिया गया, हमें कभी समझने ही नहीं दिया गया था। अब जब हम खुद पढ़ रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि भाई इस्लाम तो गला रेतने की बात कर रहा है भाई। इस्लाम तो औरतों को लौंडियां और बांदियां बोल रहा है भाई। इस्लाम तो चार शादी की बात कर रहा है भाई। इस्लाम तो 6 साल के बच्चे से निकाह पढ़ने की बात कर रहा है भाई। इस्लाम तो लूटने और पाटने की बात कर रहा है। लेकिन ये जो किताब मैंने अपने हाथ में ली हुई है भगवत गीता, इसमें मानवता की बात है भैया, इसमें माफी की बात है भैया। तो इसलिए ये जो हमने पढ़ा है ना, यही हमें यात्रा करने पर मजबूर कर दिया है। बिल्कुल मजबूर कर दिया है। ये चीजें कई लोगों को पच नहीं रही है, जो ओबीसी जैसे नेता। पचेगी बेटा, कैसे पचेगी? बाजार बंद हो जाएगा। अब इन मुल्लों को ना एडुकेशन लेना पड़ेगा, नौकरी का लाइन लगाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे। ये जो चंदा फितरा ज़कात पे जो रेंज रोवर इमाम बुखारी खरीदे हैं वो कैसे आएगा? आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी उम्मीद से बाहर है। ये हलाला सर्टिफिकेशन क्या है? ये काला धंधा है। ये वक्फ बोर्ड क्या है? ये लैंड माफिया है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुस्ताखे रसूल की सजा सिर्फ आपके साथ की जाती थी, बिल्कुल नहीं। गवाह है पूरा अल कुरान कि हमारे इमाम हसन हुसैन का कातिल कोई सनातनी नहीं था। हमारे हजरत अली का कातिल कोई सनातनी नहीं था। बगल का मुसलमान ही मारा था, बगल का मुसलमान ही गलत चीरा था। तो मुसलमान किसी के साथ भी रहे, क्रिश्चियन के साथ रहेगा तो भी लड़ेगा, यहूदी के साथ रहेगा तो भी लड़ेगा, हिंदू के साथ रहेगा तो भी लड़ेगा, लेकिन मुसलमान के साथ भी रहेगा तो भी लड़ेगा। काहे पाकिस्तान में इतना झमेला है? वहां तो सब मुसलमान है, फिर क्यों एक दूसरे को मारते रहते हैं? देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता का ना सच समझ में आ चुका है। सारी
दुनिया को समझ में आ चुका है, सारी दुनिया समझ चुकी है कि बेसिकली ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। एंड इस्लाम के अंदर डिक्टेटरशिप बेइंतहा है, बेइंतहा भरा हुआ है डिक्टेटरशिप। मैं अपने अल्लाह से बहुत प्यार करती हूँ, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊंगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह एक है, पाक और बेअब है, मैं आपको क्यों फोर्स करूंगी? ये अथॉरिटी की पोजीशन मुझे किसने दी है? मैं आपको फोर्स करने वाली नहीं हूँ। और 5 वक्त लाउड स्पीकर में अजान देने के बाद भी अगर भारत में मुसलमान डरे हुए हैं तो मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ ले, डर खत्म हो जाएगा। मैम इतना आप मुखर होके बोलती हैं, जो नेता अपने आप को धर्म का ठेकेदार, मुस्लिम धर्म का ठेकेदार बताते हैं, डर नहीं लगता है फतवा जारी कर देंगे या आप लोगों के खिलाफ जो है कई चीजें हो जाती है, आपको डर नहीं लगता है? ऐसा खुल के बोलते हैं, लगातार बयान देती रहती है, इनके खिलाफ बोलती रहे, डर नहीं लग रहा है आपको? देखिये मैं बहुत सारी भाषा जानती हूँ, अरबी में खुदा लिखिएगा ना तो एक नुकता ऊपर जाएगा तो खुदा हो जाता है, और एक नुकता नीचे आता है वही नुकता तो जुदा हो जाता है। तो एक जान है, अल्लाह ले या मुसलमान ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपको नहीं लगता कि आप जो है मंदिरों में आती हैं, दर्शन करती हैं भगवान राम का, इतना खिलाफ भी बोल जाती हैं, जो मौलाना जो है भड़काते हैं उनके खिलाफ बोलती हैं, उनसे कहती हैं कि दूरी बनाए रखिए, आपको नहीं लगता कि फतवा जारी करने की जो बात करते हैं, बात बात पे फतवा जारी करने का, उन सबसे आपको नहीं लगता कि डरना चाहिए या थोड़ी सी चीजें रहनी चाहिए, हाँ लिमिट में बोलनी चाहिए? पहला बोलूंगी कि मैं खिलाफ नहीं बोलती हूँ, मैं फैक्ट बात करती हूँ, फैक्ट बताती हूँ उनको, खिलाफ कुरान के वर्सेस और सूरा नंबर के साथ मैं बताती हूँ जिस भी चैनल पर बैठती हूँ। दूसरी बात, मैं मुल्ला की मानने वाली मुसलमान तो बिल्कुल नहीं हूं और ना कभी होने वाली हूं। तीसरी बात है कि मेरी मौत अगर होनी होती तो ये मुसलमान कब का कर चुके होते, कब का कर चुके होते, वो तो प्रभु राम की कृपा है जो खड़ी हूँ आपके सामने। सनातन धर्म को जिसने भी अपमानित किया है वो बर्बाद हुआ है। महुआ मोइत्रो देखिए, पाकिस्तान देखिए, सीरिया देखिए, तो जिस अब देखिए ना ईरान भी हमारे पक्ष में बात करता है, बोलता है हम भी जिहादी को मारेंगे, हम भी टेररिस्ट को मारेंगे, और पाकिस्तान पे बम गिरा दिया है, पाकिस्तान पे बम गिरा दिया है। तो देखिए सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें बहुत श्रद्धा रखने की जरूरत है, बहुत विश्वास रखने की जरूरत है। इसीलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि गीता से हमें ज्ञान मिला, रामायण से हमें राम मिला, और खुश नसीब मानती हूँ मैं जो मुझे हिंदुस्तान। दोस्तों भारत में सेकुलर नाम का चूर्ण बहुत सालों से बिक रहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वहाँ पर सभी धर्मों की मान्यताएं हैं, और इसी चूर्ण से आज तक हिंदुओं को बहुत ही नुकसान भी हुआ है। यहाँ तक कि भारत के हिंदुओं के दिमाग में ये तक बैठा दिया कि हिंदुओं ने अब तक राम मंदिर के लिए भी आवाज नहीं उठाई, और अब जैसे जैसे राम मंदिर बन रहा है वैसे वैसे बहुत से शांति दूतों को बहुत ज्यादा मिर्च लग रही है, और इस सूची में मुस्लिम तो है ही है, साथ में सेकुलर का डंका बजाने वाले हिंदू भी है जो की ये बोल रहे हैं की मंदिर बनाने से क्या फायदा। मंदिर तो भाई देखा आपने, नाजिया अली खान भारत की बेटी, भारत की मुस्लिम बेटी, जिस पर हर एक हिंदुस्तानी, हर एक हिंदू को गर्व है भाई, क्योंकि इतनी अच्छी बातें करती है, दिमाग वाली बातें करती है, पढ़ाई वाली बातें करती है, नॉलेज वाली बातें करती है भाई। इन्होंने बोला है, बता दोस्तों आपको जानना चाहूंगा, जो इन्होंने बताया कि भाई गीता पढ़ो, आप गीता पढ़ो, गीता के अंदर भाई कहीं पर भी किसी धर्म के बारे में गलत नहीं लिखा हुआ है, किसी इंसान के बारे में गलत नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है। और भाई कुरान के बारे में इन्होंने बताया कि भाई जो सऊदी के प्रिंस है भाई, उन्होंने जो है कुरान से कुछ आयतों को जो है हटा दिया है, उनको हटा दिया, तो चीज मानवता के लिए खतरा है, फिर मानवता को जो है ठेस पहुंचाती है। तो ऐसा ही इनका मानना है, ऐसी पाकिस्तान में चीजें क्यों नहीं हो रही है, हिंदुस्तान में चीजें क्यों नहीं हो रही है कि जो गलत चीजें हैं उस कुरान के अंदर से उनको हटाया जा सके। दोस्तों नज़ीर अली खान का भाई बहुत अच्छी चीजें मुझे लगी, ताकि क्योंकि लोग भाई हमारे देश का जो मुसलमान है उस चीज़ों को देख के सीख के फॉलो करता है, अगर उन चीज़ों में और अच्छी चीज़ें डाली जाएंगी तो भाई खुद ब खुद उनका जो चरित्र है अच्छा हो जाएगा, और जो एक धब्बा बनाया गया है किसी भी पर्सन के ऊपर, कैटेगरी के ऊपर, तो हट सकता है। दोस्तों क्या कहना चाहोगे यार, प्लीज नज़ीर अली खान के बारे में एक लाइक उनके लिए जरूर बनता भाई, कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।